तमाम जो एडवोकेट थे जो ईवीएम का लगातार विरोध कर रहे थे वो गिरफ्तार हो चुके हैं यहाँ पर। अब एडवोकेट महमूद प्राचा, सत्य प्रकाश, तमाम एडवोकेट हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह अगर दिल्ली की पुलिस झूठ बोलेगी तो ये स्वीकार नहीं है, इसके लिए बड़ा आंदोलन चलाया जाएगा, इस तरह का धोखा नहीं चलेगा। जब आप ये कह के लेके गए कि हम आपको जाकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मिलवाएंगे, उनको आपका ज्ञापन दिलवाएंगे, तो फिर आप ज्ञापन क्यों नहीं दिलवा रहे हो? आप ऐसी धोखेबाजी क्यों कर रहे हो? आप क्या मतलब केवल केंद्र सरकार के इशारे पे काम करोगे? क्या दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार की टूल बन गई है? अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर केंद्र सरकार के इशारे पर जबरदस्ती ईवीएम से चुनाव कराने पर आमादा है तो हम इसको जन आंदोलन बनाएंगे, पूरे देश के लोगों को लेकर सड़कों पर उतरेंगे हम। साथियों, अभी अभी सूचना मिली है मुझे, यहाँ से हमारे चार एडवोकेट्स को पुलिस ये कह के लेके गई है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से बात हो गई है और आपके चार प्रतिनिधियों को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मिलवाया जाएगा। लेकिन दिल्ली की पुलिस ने गृह मंत्री जी के इशारे पर यह झूठ बोला है और उनको वहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मिलवाने की बजाय उनको रोडों पे घुमा रहे हैं। और अब पता लगा है कि अभी उनको थाने लेके जा रहे हैं, तिलक मार्ग थाने। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह अगर दिल्ली की पुलिस झूठ बोलेगी तो ये स्वीकार नहीं है, इसके लिए बड़ा आंदोलन चलाया जाएगा, इस तरह का धोखा नहीं चलेगा। जब आप ये कह के लेके गए कि हम आपको जाकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मिलवाएंगे, उनको आपका ज्ञापन दिलवाएंगे, तो फिर आप ज्ञापन क्यों नहीं दिलवा रहे हो? आप ऐसी धोखेबाजी क्यों कर रहे हो? आप क्या मतलब केवल केंद्र सरकार के इशारे पे काम करोगे? क्या दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार की टूल बन गई है? ये हमारा सवाल है। अगर आप जो कह के गए हैं लेके हमारे प्रतिनिधियों को, वो काम क्यों नहीं करवाया? आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से क्यों नहीं मिलवा रहे हो? हम ज्ञापन देना चाहते हैं, प्रजातांत्रिक तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं, लेकिन आप कानून के खिलाफ जाके काम कर रही है पुलिस। आपको गुमराह किया गया। तो गुमराह किया पुलिस ने, तो पुलिस के खिलाफ भी हम केस डालेंगे। हमें ऐसे डीसीपी जिन्होंने धोखा दिया है उनके खिलाफ भी कोर्ट में केस डालेंगे कि उन्होंने झूठ बोलकर हमारे प्रतिनिधियों को ये कह के लेके गए कि आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मिलवाएंगे, लेकिन उनसे मिलवाने के लिए लेके थाने बिठा लिया है। और वो इसका मतलब सीधा सीधा गृह मंत्री जी के सारे पैसा कर रहे हैं, तो ये देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। हम इस जन आंदोलन को पूरे देश के कोने कोने में लेके जाएंगे। ईवीएम किसी कीमत पर स्वीकार नहीं है और इस तरह की धोखेबाजी भी किसी कीमत पर स्वीकार नहीं है। क्या लग रहा है इससे शक और बढ़ रहा है? जब इससे हमारा संदेह और मजबूत हो रहा है कि ईवीएम एक धोखा है, ईवीएम से आम आदमी के वोट की चोरी हो रही है। वरना जो बात कह के यहाँ से पुलिस के अधिकारी लेके गए हमारे प्रतिनिधियों को, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मिलवाया क्यों नहीं है? उन्होंने लेके थाने में क्यों बिठाया है? इसका मतलब ईवीएम से चोरी होती है और केंद्र सरकार इस बात को जानती है, इसलिए वो दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है। इस तरीके से वो अगर हमारे आवाज को दबाना चाहती है तो वो हमारी आवाज को दबा नहीं पाएगी। पूरे देश में जन आंदोलन की तैयारी हम करेंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर ईवीएम से हम चुनाव नहीं होने देंगे। हम देखना चाहते हैं कितना दमन ये सरकार करेगी। आगे की रणनीति है, अब हम सारे राज्यों की राजधानियों में बड़े बड़े आंदोलन करेंगे, इसको पूरे देश का जन आंदोलन बनाएंगे। हर जिला मुख्यालय के माध्यम से राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिलवाएंगे, उसके बाद गांव-गांव तक इस आंदोलन को एक महीने के अंदर अंदर पूरे देश के एक एक गांव में हम लोग पहुंचा देंगे। 2024 का चुनाव बैलेट पेपर से होगा, इसी की लड़ाई चलेगी। अगर हमारी वोट की चोरी हो रही है तो हम ये नहीं होने देंगे। देश प्रजातंत्र है, देश के अंदर देश संविधान से चलता है, तो वोटर को ये भरोसा दिलवाना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है कि उनकी वोट की चोरी नहीं हो रही है। इलेक्शन कमीशन तो अब दिल्ली में और जगह जगह आपको डेमो दिखा। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर केंद्र सरकार के इशारे पर जबरदस्ती ईवीएम से चुनाव कराने पर आमादा है तो हम इसको जन आंदोलन बनाएंगे, पूरे देश के लोगों को लेकर सड़कों पर उतरेंगे हम। पार्टियां साथ आ रही हैं अभी तो एडवोकेट, हम पार्टियों के भरोसे नहीं है। इस देश की जनता ने पार्टियों को बनाया है, इस देश की जनता ने सरकार को बनाया है। जनता देश में सबसे बड़ी है, जनता से ऊपर कोई नहीं है, इसलिए जन आंदोलन की बात केंद्र सरकार को सुननी पड़ेगी, इलेक्शन कमीशन को जनता की बात को मानना पड़ेगा। ईवीएम पे भरोसा नहीं है, ये उसकी मांग है कि हमें हमारे वोट जिस प्रत्याशी को हम दे रहे हैं उस पर हमारा वोट जा रहा है नहीं जा रहा, हम पे भरोसा नहीं है हमारा ईवीएम पे। हम चाहते हैं बैलेट पेपर वापस आए। तो इसमें इलेक्शन कमीशन को आखिर दिक्कत क्या है? जिन देशों ने ईवीएम बनाई है वो देश खुद जो बैलेट पेपर से चुनाव करवा रहे हैं, उनको भरोसा नहीं है। प्रोटेस्ट के बाद भी सरकार नहीं झुकती है तो फिर आप अगला कदम क्या होगा? देखिए, हमारा ये आंदोलन जन आंदोलन बन रहा है। अब अलग अलग राज्यों की राजधानी में बड़े आंदोलन किए जा रहे हैं, उनका बकायदा पूरा रोड मैप तैयार हो गया है। हम हर भारत के राज्य की राजधानी में बड़ा आंदोलन करने वाले हैं, उसकी डेट हमने डिसाइड कर ली है और इसको इतना बड़ा जन आंदोलन बनाएंगे कि केंद्र सरकार को और इलेक्शन कमीशन को झुकना ही होगा और बैलेट पेपर से वापस चुनाव उन्हें कराना होगा। ईवीएम से चुनाव हम नहीं होने देंगे। लेकिन सीसी कह रहे हैं कि निष्पक्ष चुनाव आयोग, कौन कह रहा है? चीफ इलेक्शन कमीशन। तो उसकी बात का भरोसा क्यों करें जिसको केंद्र सरकार ने चुना है?
हम तो नहीं करते उनका भरोसा, जब देश की जनता उस पर भरोसा ही नहीं कर रही है तो फिर इलेक्शन कमीशन केंद्र सरकार के बिहाफ पे क्यों ये बोल रहा है कि उसको भरोसा है? अरे तुम्हें भरोसा हमें नहीं है, जो लोग चुनाव लड़े हैं उसका खुद का वोट कहाँ चला गया, जवाब देना इलेक्शन कमीशन। मध्य प्रदेश में तो पहले ही पोस्ट डाल दी थी जो मैंने दिखाया था वो पिछली बार। राज्यसभा की सीट सर, अगर आप बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार इलेक्शन कमीशन सब एक साथ मिल गया है तो ये जो लड़ाई आप लोग चालू कर चुके हैं, एडवोकेट मिल चुके हैं, जनता का अगर साथ है, उम्मीदें हैं कि फिर सब एक साथ है तो आप देखिए प्रजातंत्र में प्रजा से ज्यादा ताकतवर कोई चीज नहीं होती, प्रजातंत्र में जनता सबसे ज्यादा ताकतवर होती है। तो हम लोग जनता के बीच गए और जनता की आवाज बन गए, हम लोग तो जनता की तरफ से इस आंदोलन को चला रहे हैं, तो हम ये किसी राजनीतिक पार्टी के मोहताज नहीं है और देश के प्रधानमंत्री को भी जनता ने चुना है, तो प्रधानमंत्री को, केंद्र की सरकार को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देश की जनता के सामने झुकना ही होगा। विधानसभा से कुल मत गिरे 1,78,374, अन्य को प्रत्याशी को 8,364 और भाजपा को 93,000 और कांग्रेस को 77,000। आप ये रिजल्ट देखो, आप रिजल्ट देखो, बीजेपी को 93,000 और कांग्रेस को 77,000। क्या ईवीएम को ने उसको रात में सपना दिया था क्या कि इतने इतने वोट निकलेंगे, या ईवीएम उसके घर से ऑपरेट हो रही थी? तो ये बताना पड़ेगा निर्वाचन आयोग को कि आज से 3 दिन पहले, काउंटिंग के 3 दिन 4 दिन पहले एक व्यक्ति कैसे बता सकता है कि किस प्रत्याशी को कितने वोट मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ आप देखो, मध्य प्रदेश में जब पोस्टल बैलेट की गिनती होती है तो कांग्रेस लीड करती है 199 पे और बीजेपी लीड करती है 31 पर, लेकिन जैसे ही 2 घंटे बाद ईवीएम से काउंटिंग होती है जनता वही वोट करने वाली और मूड जनता का बदल जाता है, बीजेपी 166 ले आती है। कैसे? ये निर्वाचन आयोग को तय करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि ये जनता का मूड आप कैसे ट्विस्ट की तरह चेंज करते हो। ये हम लोग जो जितने भी मूवमेंट के साथी हैं, जो भी एक्टिविस्ट हैं, इस चीज को स्वीकार नहीं करेंगे। बिना ईवीएम के चुनाव हम करवाएंगे और बैलेट पेपर से हम चुनाव करवाएंगे, नहीं तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे।